का नाम रखा था। भगवान का मिलना खेल नहीं है। आखिर में संध्या को अंधेरे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक सेठ का रूप बना करके और कंधे में रुपयों की थैली, हाथ में बही खाता, कान में कलम, बाजार में आए, बोले अरे कौन है जिसकी हुंडी चुकाना है, जो नरसी भक्त की हुंडी लाया है, अपना पैसा ले जाए। ये सात तो साधु दिन भर के भूखे प्यासे पछता रहे थे कि हमारे रुपया डूब गए, लेकिन भगवान के भक्त से प्यार करोगे तो भगवान मिलेगा। जब भगवान की कृपा होती है, जब भगवान का भक्त मिलता है, विभीषण को लंका में जब हनुमान जी मिले थे तो यही कहा था विभीषण ने, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। वो सातों संत बोले अरे सांबल शाह तुम ही हो, श्री कृष्ण बोले सेठ के रूप में गए थे, छोटी सी तौंद, ढीली ढीली धोती, पाग बंधी सिर पर, बोले हां सांबल शाह मैं ही हूं। वो संत बोले सारा दिन बीत गया तुमको ढूंढते ढूंढते, सावल शाह बोले हां क्षमा करो अपना रुपया ले जाओ। सारा रुपया चुका दिया साथ साथ द्वारकाधीश ने, उनको भोजन कराया और जाओ नरसी भगत से कहना कि तुम्हारा व्यापार बढ़िया चल रहा है, ऐसे हुंडी दिखा करो। टूटी हुंडी चुकाई थी तुमने, हुंडी चुकाई थी तुमने, सांवरा 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 सांवरा, ए गोपाल ए गोपाल ए गोपाल, समारोह तो क्या होगा, एक मुझे समारोह क्या होगा, एक मुझे समारोह तो क्या होगा, एक मुझे
तुमने लाखों अधम है उधारे जो तुमने लाखों अधम है उधारे जो तुमने लाखों अधम उधारोगे तो क्या होगा मुझको उधारोगे तो क्या होगा नरसी जी की दो लड़कियां थी एक रामा एक श्यामा रामा का ब्याह हुआ निमंत्रण आया समझाने से कोई कोई कहता भात भरना कोई कहता छोचक देना लड़की वाले वहां ले जाते हैं ब्याह में निमंत्रण आया नरसी जी ने चलो भाई चलेंगे उनके साथ बहुत से सूरदास थे चल पड़े एक बैलगाड़ी टूटी सी मांग के लाए किसी से अब बूढ़े बूढ़े बैल मांग लिए इसी पर द्वारका जाएंगे गांव वाले चिढ़ते थे टूटी गाड़ी दे दिया बूढ़े बैलों को दिया गाड़ी चली थोड़ी दूर आगे जाके टूट गई जंगल के बीच में सब संत नरसी भक्त सूरदास बोले अब क्या होगा जंगल है यहां तो गाड़ी बन भी नहीं सकती जब तक सांवरिया एक बढ़ई कुरूप बना करके उधर से निकले वहां कीर्तन हो रहा था बोले अब तो कीर्तन करो वही सांवरिया पार लगाएगा कीर्तन की आवाज सुनी वो बढ़ई बनकर के जा रहे थे कृष्ण जय गोपाल जय गोपाल जय राधावर दीन दयाल बोला
बड़े तो कृष्ण थे, हाथ में बसूला हथौड़ा। अरे बोले जंगल में कौन है यहाँ कीर्तन कर रहा है? सब लोग बोले नरसिंह जी के साथ साधु थे। अरे भाई हम लोगों को अंजार जाना है जूनागढ़ से, गाड़ी टूट गई इसलिए यहाँ जंगल में बैठे हैं। गाड़ी टूट गई तो जंगल में क्यों बैठे हो? क्या करते भाई? उसकी याद कर रहे हैं। किसकी? बोले सुन नहीं रहे हो? जय गोपाल जय गोपाल जय राधावर दीन दयाल। किसकी याद कर रहे हो? सांवरिया की कर रहे हैं, गोपाल की। बोले वो आएगा? बोले हाँ, उसका कीर्तन जब करते हैं लोग तो आता है। वो बोला भाई बढ़ई तो मैं भी हूं, उधर मुझको जाना है, मैं तुम्हारी गाड़ी बना दूंगा, तुम हमको अपनी गाड़ी में बैठा लोगे? बोले हाँ भैया, भक्त लोग दयालु होते हैं, गाड़ी तू बना दे, अंजार तक बैठा लेंगे। श्री कृष्ण गाड़ी में लग पड़े, ठोका ठाका गाड़ी बन गई। और बोले चलो गाड़ी बन गई। नरसिंह जी बोले अरे भाया तू तो बड़ा अच्छा आदमी है, हमारे पास देने को कुछ नहीं बनवाई। बोले तुम कीर्तन कर दो, इसी में हमारी बनवाई चुक जाएगी, हम पैसा नहीं लेते हैं। बोले अच्छा, जय गोपाल जय गोपाल जय राधावर दीन दयाल। जय गोपाल जय गोपाल जय राधावर दीन दयाल। जय भाई बाढ़ाई तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम कृष्णा। सच बोल रहे हैं, कृष्णा माने कृष्ण, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता जब तक भगवान की पूरी कृपा ना हो। बैठ जा भाई, तू भी कृष्णा बाढ़ाई बोला। अरे भाई भगत, मैं गाड़ी चलाना बहुत अच्छा जानता हूं, तुम कीर्तन करो मैं गाड़ी चलाऊं। क्योंकि वहां से बहुत दूर थी द्वारका, भगवान ने सोचा इस गाड़ी से द्वारका कैसे पहुंचेंगे,
इस गाड़ी को तो रथ बना दें अर्जुन वाला, मैंने गाड़ी चलाई है। नरसिंह जी बैठ गए, सब साधु बैठ गए, 16 थे। श्री कृष्ण ने गाड़ी हाथ में लिया और गाड़ी उड़ चली। जय गोपाल जय राधावर दीन दयाल। गाड़ी पहुंच गई अंजार थोड़ी देर में। सब कीर्तन करते रहे, भगवान का कीर्तन करो, सबकी बेड़ा सबकी नैया पार लगती है। जय गोपाल जय राधावर दीन दयाल। नरसी की गाड़ी समारी प्रभो, टूटी नरसी की गाड़ी समारी प्रभो। टूटी नरसी की गाड़ी समारी है प्रभो, टूटी नरसी की गाड़ी समारी प्रभो। टूटी नरसी की गाड़ी सवारी है प्रभो, टूटी नरसी की गाड़ी सवारी है प्रभो। एक मुझको सवारोगे क्या होगा, मुझको सवारोगे क्या होगा, एक मुझको सवारोगे क्या होगा, मीराबाई जो महारानी थी चित्तौड़ की, और उस जमाने में बहुत पर्दा था। रानी तो क्या, रानी की नौकरानी को भी कोई देख नहीं सकता था, इतना पर्दा था। मीराबाई कीर्तन में नाचती थी। राणा जी ने कहा ये रानी होके नाचती है, बेशिया है, इसको मार देना चाहिए।
लेकिन मीराबाई बोली नहीं, मैं तो गोविंद का गुण गाऊंगी, मैं कृष्ण को रिझाती हूं। मीरा के बारे में नाभाजी ने भक्तमाल में लिखा है, सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुग ही दिखायो। कलयुग को द्वापर बना दिया था मीराबाई ने, जैसे द्वापर में गोपियां कृष्ण के साथ प्रेम में नाचती थी, वैसे ही कलयुग में मीरा ने किया। सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक रसना जस गायो। कभी डरी नहीं, कभी भी उन्होंने भय नहीं माया संसार का भय, और उसी तरह से कीर्तन में नाचती नहीं। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कीनो, जो दुष्ट लोग थे वो दोष देखते थे। मीरा नाचती है, मीरा वेश्या है। मृत्यु को उद्यम कीनो, मारने का प्रयत्न किया, बाल न बाको भयो, गरल अमृत जो पियो। जहर दिया लोगों ने, वो अमृत बन गया। भक्ति निशान बजाए के काहू से नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। मीरा ने कहा, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, मैं तो गोविंद के गुण गाऊंगी, गोविंद को रिझाऊंगी, गोविंद के लिए नाचती हूँ। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाना। राणा भेजा विष का प्याला, राणा भेजा विष का प्याला। राणा जी ने कहा, इसको जहर दे दो, इस स्त्री को जहर का प्याला भेजा। मीरा ने उसको प्रसाद समझ करके पी लिया और अमृत बन गया। राणा भेजा विष का प्याला, राणा भेजा विष का प्याला, विष का प्याला, का प्याला, विष का प्याला, विष का प्याला। मैं तो अमृत कर पी जाना, राणा जी मैं तो अमृत कर पी जाना, राणा जी मैं तो अमृत कर पी जाना, राणा जी मैं तो अमृत कर पी जाना, गोविंद के गुण गाना, राणा जी गोविंद के गुण गाना, राणा जी। राणा जी ने पूछा, दयाराम पंडा सबसे बड़ा पुजारी, उसको लोभ में विष भेजा था और वो पुजारी लोभ में आकर के जहर का प्याला मीरा को पिलाया। राणा ने पूछा, क्या मीरा मर गई? पुजारी बोला, नहीं वो तो नाच रही है। बोला, अच्छा इस बार बच गई, अब नहीं बचेगी। दो काले अजगर पकड़ के मंगवाए जंगल से, उनको कई दिन भूखा रखा और बोले, पुजारी जी इसको ले जाओ,
मीरा से कहना कि इसमें शालिग्राम जी हैं, जब खोलेगी ये सर्प उसको काट लेंगे और मर जाएगी। राणा भेजा सर्प भुजाऊंगा मैं, राणा भेजा सर्प भुजाऊंगा मैं। गोपाल रे गोपाल, गोपाल रे गोपाल, राणा भेजा सर्प भुजाऊंगा मैं, सर्प भुजंगम, सर्प भुजंगम, सर्प भुजंगम, सर्प भुजंगम। मैं तो शालिग्राम, मैं तो शालिग्राम कर जाना राणा जी, भगवान क्या है? विश्वास भगवान है। प्रहलाद को विश्वास था सब जगह भगवान है, खंभे में से, उसी खंभे में से प्रहलाद का भगवान निकला नरसिंह, और उसी खंभे में से हिरण्यकश्यपु का काल निकलाया। काल था नरसिंह, भगवान था नरसिंह। विश्वास के अनुसार मनुष्य को प्राप्ति होती है। मीरा का विश्वास था ये चरणामृत है, ये शालिग्राम है। मैं तो शालिग्राम कर जाना राणा जी, शालिग्राम कर जाना राणा जी, मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी, गोविंद के गुण गाना राणा जी। राजा रूठ है नगरी रूठ है, लोग बोले मीरा सारा नगर बुराई करता है, तू नाचती है। मीरा बोली सारा संसार बुराई करे इसकी हमको परवाह नहीं है। राजा रूठ है नगरी रूठ है, राजा रूठ है नगरी रूठ है, हरी रूठे कहाँ जाना राणा जी, मैं तो हरी रूठे कहाँ जाना राणा जी, मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी, मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, मीरा के प्रभु कबरे तो सावरिया बर पाना राणा जी, तो सावरिया बर पाना राणा जी, मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी, मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। मैं उधारे, मैं उधारे जो तुमने लाखों अधम, मुझको उधारोगे तो क्या होगा, एक मुझको उधारोगे तो क्या होगा। ब्रज की रज में धूर बनू मैं, इस ब्रज की मिट्टी भगवान ने खाई बचपन में, छोटे से कृष्ण ने यशोदा ने डांटा, तो इस धूल को यहाँ की मिट्टी मुक्ति भी चाहती है,
मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ, ब्रजरज उड़ मस्तक पड़े मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज की रज में धूर बनू मैं, ऐसी कृपा करो।